सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुजाता, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। चलिए नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में है। रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे बाबा राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत रिमांड पर है। ऐसी खबरें मिल रही है कि वह पुलिस का सहयोग नहीं कर रही। पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस उन्हें पंजाब के संगरूर ले गई है। इससे पहले उन्हें पंचकुला ले जाया गया था। सूत्र बता रहे हैं कि पंचकुला में हिंसा भड़काने के आरोपी हनीप्रीत जांच में पुलिस का साथ नहीं दे रही, इसलिए अब उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी की जा रही है। हनीप्रीत के साथ उनकी साथी सुखदीप भी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक कांग्रेस विधायक को जूते चप्पलों की माला पहनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अहमदाबाद दरियापुर के विधायक गियासुद्दीन शेख बुधवार को जब शाहपुर पहुंचे तो एक शख्स ने उनका स्वागत जूते चप्पलों की माला पहनाकर किया। बाइक पर सवार एमएलए के गले में काफी फूल मालाएं डाली हुई थी, तभी एक शख्स वहां पहुंचा और उनके गले में जूते चप्पलों की माला डाल दी। विधायक ने कहा कि उन्हें पहले से ही कुछ ऐसा होने की जानकारी थी। उन्होंने जूते की माला पहनाने वाले को अपना करीबी बताते हुए कहा, जिस शख्स ने ऐसा किया उसका जुए का अड्डा चलाने का गैर कानूनी धंधा मैंने बंद करवाया था। खुद को भगवान बताकर विवादों में रहने वाली राधे माँ ने दिल्ली के विवेक विहार थाने में प्रकट होकर नया हंगामा खड़ा कर दिया है। दशहरे की रात राधे माँ थाने पहुंची और एसएचओ की कुर्सी पर बैठ गई। ये फोटो वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया है। फोटो में खुद विवेक विहार के एसएचओ संजय शर्मा हाथ जोड़े राधे माँ के बगल में खड़े हैं। उन्होंने अपने गले में राधे माँ की लाल चुन्नी डाली हुई है और कई पुलिस कर्मियों ने उनका आशीर्वाद लिया। फोटो सामने आने पर एसएचओ की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, जिन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर एसएचओ ने दिलचस्प सफाई देते हुए कहा है कि राधे माँ थाने में वॉशरूम यूज करने के लिए पहुंची। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ जकिया जाफरी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। जकिया ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि इसी साल 3 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। दिवंगत पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ने दंगों के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश के आरोपों को लेकर मोदी और अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखने के मैजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ने गो मंत्रालय बनाए जाने की मांग की है। गो सेवा व गोचर विकास बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री वल्लभ कटेरिया ने पीएम मोदी से मिलकर गो मंत्रालय का प्रस्ताव दिया है। कटेरिया ने पिछले महीने ही मोदी से मुलाकात करके इस मंत्रालय को राष्ट्रीय स्तर पर अलग से गठित करने की मांग की है और विचार दिया है। यही नहीं, कटेरिया ने पीएम ऑफिस को गोहत्या बैन करने और इस पर सख्त नियम बनाने के लिए भी पत्र लिखा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के अंधेरे स्थित घर के गोदाम में चोरी हो गई है। खबर है कि गोदाम से 90,000 रुपए की कीमत वाले हेमा के कॉस्ट्यूम और रंगमंच के सामान चुराए गए हैं। हेमा इस गोदाम का इस्तेमाल अपने कॉस्ट्यूम, रंगमंच के सामान, नकली ज्वेलरी, डांस शो या शूट से जुड़ा सामान रखने के लिए करती हैं। पुलिस को इस मामले में हेमा के नौकर पर शक है, क्योंकि गोदाम की साफ सफाई करने का काम उसी के जरिए होता है। बताया जा रहा है कि जब हेमा मालिनी के मैनेजर ने गोदाम से चीजों को गायब देखा तब उन्होंने इसकी शिकायत जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर।